नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 2 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में एक बेहद ही गर्व करने वाली बात है और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत ने क्रायस्टेट का अंतिम पार्ट फ्रांस भेज दिया है। ये क्रायस्टेट क्या है और इसको क्यों फ्रांस भेजा गया है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। एक क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लीजिए कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के क्रायोस्टेट के अंतिम हिस्से को पूरा कर लिया है और इस प्रोजेक्ट में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका योगदान कितना प्रतिशत है, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। पहली जानकारी है मध्य प्रदेश सरकार जो है वो किल कोरोना नाम का एक अभियान शुरू करने वाली है। अपनी तरह का देश में ये एक बेहद बड़ा अभियान है। बेहद बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें लगभग 11,458 टीमों का जो है वो साथ लिया जाएगा और प्रतिदिन हर एक टीम 100 घरों का कवर करेगी, 100 घरों का स्क्रीनिंग करेगी। तो किल कोरोना कैंपेन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए, अपने राज्य से पूरी तरह से निकालने के लिए टेस्टिंग, पूल टेस्टिंग की योजना बनाई है। इस टेस्टिंग में मध्य प्रदेश के कई सारे घरों पर जाकर टीम वहां पर सर्वे करेगी, वहां पर सैंपल कलेक्ट करेगी और किसी व्यक्ति को अगर कोरोना संक्रमित पाए जाने की संभावना होगी तो उसका सैंपल लेकर बाकायदा लैब में टेस्ट कराया जाएगा और जरूरी एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ कोरोना ही नहीं, बुखार से पीड़ित किसी भी व्यक्ति, अगर वो मलेरिया से पीड़ित है, डेंगू से पीड़ित है, तो उसकी भी जांच यहां पर की जाएगी। तो आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वो 1 जुलाई 2020 से राज्य में किल कोरोना अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि राज्य के सभी घरों की स्क्रीनिंग की जा सके। इस अभियान की शुरुआत राज्य की राजधानी भोपाल से की गई है। इस अभियान के तहत कुल 11,458 टीमों का गठन किया गया है और प्रत्येक टीम एक दिन में लगभग 100 घर कवर करेगी। डोर टू डोर सर्वे होगा। इस अभियान में कोरोना वायरस के साथ साथ मलेरिया, डेंगू या अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी चिन्हित किया जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किल कोरोना अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा और राज्य सरकार इन 15 दिवसीय अवधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख COVID-19 परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। तो 15 दिन का सघन अभियान चलाया जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब मध्य प्रदेश के बारे में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कल एक न्यूज मैंने आपको बताई थी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक्स्ट्रा कार्यकाल दिया गया है, एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जो है वर्तमान समय में अवकाश पर चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है वो गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का राज्य बना, यानी कि इस बार जो गेहूं को समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा खरीदा है वो मध्य प्रदेश ने खरीदा है और इस सूची में मध्य प्रदेश टॉप पर है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में खोला गया और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तावना जो है वो स्कूल में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ना सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। रीडिंग प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी इन स्कूल्स ऑफ मध्य प्रदेश। आई थिंक ये पेन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ उसमें उसमें जो आपका इंदौर है वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले सिटी में, यानी कि शहरों के मामले में पहले स्थान पर आया, जबकि भोपाल जो है वो सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया था। सिंगर सुमन कल्याणपुर और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश द्वारा ही किशोर सम्मान दिया जाता है जो इस बार वहीदा रहमान जी को अभी दिया गया था। पहला एडिशन निमाड चिली महोत्सव, निमाड जो है ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ उत्सव है, मध्य प्रदेश के कासरावाड में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाने वाला उत्सव है जिसमें मस्कट जो थे वो चिली चाचा रहे। तो अगर निमाड मिर्च महोत्सव पूछा जाए कि कहां आयोजित किया गया तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम जी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय वाटर कॉन्फ्रेंस यानी कि नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस यानी कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन का जो उद्घाटन था वो भोपाल में किया। मध्य प्रदेश ने
अपने यहां जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, नेशनल हेल्थ सर्वे द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हमें पता चला कि जो मध्य प्रदेश है इसने टॉप किया है आउटगोइंग पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट अंडर पीएमजे, यानी कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर जाने वाले सबसे ज्यादा मरीजों की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में नजर आई। भाई हमको इलाज कराना होगा तो हम प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन इस सूची में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से इलाज कराने वालों की जो संख्या बढ़ी है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। तीन दिन का नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ, ओरछा फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इंदौर जो है ये पहला सिटी हुआ जिसने अपने पूरे शहर को ड्रोन द्वारा सैनिटाइज किया था, भारत का पहला शहर जिसने पूरे सिटी को ड्रोन द्वारा सैनिटाइज किया वो इंदौर है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में, मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उन्होंने अभी हाल ही में राम वन गमन पथ, यानी कि जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, जहां जहां से भगवान राम अयोध्या से वनवास के बाद लंका तक गए हैं, तो यहाँ पर चित्रकूट है और जो मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ बुंदेलखंड का इलाका है जहां जहां राम जी के पद पड़े हैं, तो वो पूरे तीर्थ यात्राओं को कनेक्ट करने के लिए एक वन गमन पथ यात्रा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश जो है सरकार ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना, तो जो आंगनवाड़ी के वर्कर हैं और जो असिस्टेंट हैं, सहायक हैं, उनके लिए कोविड 19 के दौरान क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे उसके लिए योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई थी जिसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना शुरू की थी। जीवन शक्ति योजना ये सभी को कोविड 19 के दौरान सुरक्षित रहने के लिए और उनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। स्टेट एनिमल आपका बारहसिंगा है। स्टेट ट्री बनियान ट्री यानी कि आपका बरगद का पेड़ है। स्टेट फ्रूट आपका मैंगो है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। गवर्नर लालजी टंडन हैं लेकिन अभी ये अवकाश पर चल रहे हैं, तो आनंदी बेन पटेल वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार संभाल रही हैं। लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 11 सीटें हैं। जनसंख्या की बात करें तो 7,26,26,809 जनसंख्या है और जनसंख्या के मामले में ये भारत के पांचवें सबसे बड़े राज्यों में आता है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इससे पहले राजस्थान होता है। राजस्थान इसका जो क्षेत्रफल है वो है 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये रही मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी जो हिंदी में भी उपलब्ध है। अगली जानकारी की तरफ चलें, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि के वेणुगोपाल राव जो कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, उनको अभी हाल ही में उनका कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया है। के वेणुगोपाल की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय 30 जून 2020 को अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल के 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लिया गया था। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय के सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जबकि जो पद केंद्र में अटॉर्नी जनरल का होता है वही पद सरकार राज्यों में आपका एडवोकेट जनरल का होता है, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, इसे महान्यायवादी कहा जाता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, महान्यायवादी जी का आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 76 है और भारत के पहले महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आपके एमसीसी तलवार थे। थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देता हूं इनके बारे में। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगर भारत सरकार के खिलाफ आप कोई मुकदमा करेंगे तो आपके मुकदमे तो आप किसी और वकील को करेंगे, लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से पैरवी करने जो वकील आएगा वो कौन आएगा? वो आपका या तो सॉलिसिटर जनरल आएंगे या तो अटॉर्नी जनरल आएंगे। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो आप ऐसा कह सकते, सॉरी अटॉर्नी जनरल की अगर आप बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत सरकार का प्रमुख कानूनी अधिकारी यही होता है। भारत सरकार को कानूनी सलाह देने का भी काम करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। भारत का न्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं।
इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है उन्हें उसका भी पालन करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश में किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। उन्हें संसद की कार्यवाही में धारा 88 के अनुसार भाग लेने का अधिकार तो है, पर वो किसी भी कार्यवाही में अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी वहां पर अपना मतदान नहीं कर सकते। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो वर्तमान समय में आपके तुषार मेहता जी हैं और दूसरा कानूनी अधिकारी इसे बोला जाता है। जिस प्रकार महान्यायवादी का पद संविधान की उपज है, वैसे मदद करने के लिए जो सॉलिसिटर जनरल का पद होता है वो भारत सरकार की उपज है, यानी कि संविधान में सॉलिसिटर जनरल के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो भारत जो है वो दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट, परमाणु फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन के क्रायोस्टेट का अंतिम हिस्सा पूरा कर लिया है। क्रायोस्टेट के इस हिस्से को देश के एक निजी क्षेत्र की कंपनी LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो ने सूरत यानी गुजरात के हजीरा में बनाया गया। पॉइंट यहां से आपका जो न्यूज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो खत्म हो जाता है कि भारत ने अभी हाल ही में परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट जो कि फ्रांस में कारदेस में डेवलप किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए क्रायोस्टेट बनाया है। क्रायोस्टेट क्या होता है? किसी भी रिएक्टर के दिल, रिएक्टर का दिल या हार्ट को क्रायोस्टेट कहा जाता है। क्रायोस्टेट जैसे कोई भी अगर रिएक्टर है तो क्योंकि जब आप नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करवाते हैं, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया करवाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। टेम्परेचर सूर्य के तापमान के बराबर भी पहुंच सकता है क्योंकि सूर्य के जो कोर में प्रक्रिया चल रही है वो नाभिकीय संलयन ही है, जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा रिलीज करते हैं। ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इधर ही बताना चाहता हूं कि इस ऊर्जा और इस तापमान को ठंडा रखने के लिए एक फ्रिज की आवश्यकता होती है। अब देसी भाषा में फ्रिज कह सकते हैं, तो इसे कहा जाता है क्रायोस्टेट, इस उपकरण को क्रायोस्टेट कहा जाता है और इसको बनाने की जिम्मेदारी भारत ने ली थी। इसके लिए दावा चीन ने भी पेश किया था, लेकिन चीन के आगे यह उम्मीद जताई गई कि भारत इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकता है, इसलिए इसका निर्माण भारत ने किया और एक प्राइवेट कंपनी LNT ने इसका निर्माण किया है सूरत में। इसे 30 जून को फ्रांस भेजा गया। यह प्रोजेक्ट फ्रांस के कादार से में 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह धरती पर सूरज से ज्यादा ऊर्जा पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि फ्रांस के कदारसे में चल रहा है। क्रायोस्टेट स्टील का एक हाई वैक्यूम प्रेशर चैम्बर होता है। जब कोई रिएक्टर बेहद गर्मी पैदा करता है तो उसे ठंडा करने के लिए एक विशाल रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है, जिसे क्रायोस्टेट कहा जाता है। परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के तहत 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होगा और यह सूर्य की कोर से भी 10 गुना ज्यादा तापमान होगा। क्रायोस्टेट का कुल वजन 3,850 टन है। भारत, अमेरिका, जापान समेत 7 देश इस संयंत्र को बनाने में शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा यूरोपीय देश, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस और रूस भी हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत का योगदान 9% है, लेकिन क्रायोस्टेट देकर भारत ने इसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है यानी वो उसे सुरक्षित रखेंगे। क्रायोस्टेट स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर चैम्बर होता है। तो ये दोबारा रिपीट हो गया है ये लाइनें, तो आप इसे इग्नोर कर दें बाकी सारी चीजें। तो आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि क्रायोस्टेट क्या है। क्रायोस्टेट एक तरह का रेफ्रिजरेटर है जो फ्रांस के कदारसे में बन रहे जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, उसमें ये उसको ठंडा करने के काम आएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री जी 30 जून को पूरे देश से मुखातिब हुए और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात की है। गरीब कल्याण अन्न योजना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6, 116, 125 ये डेटा जरूर याद रखेंगे। 6 राज्यों में शुरू किया गया है, 116 जिलों में शुरू किया गया है और 125 दिनों तक चलने वाला सघन अभियान है, जिसमें 12 डिपार्टमेंट्स को मिला करके मनरेगा के तहत काम जनरेट किया जाएगा, यानी कि श्रम जनरेट किया जाएगा और लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, खास करके प्रवासी मजदूरों को। इसकी शुरुआत 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से हुई थी। माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरे ये बोलना बुरा लगा था, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि सर खगड़िया से मैं हूं और मेरे जिले का सही से नाम लीजिए, शायद मेरे मुंह से अनजाने में कुछ और नाम निकल गया होगा और उसके लिए मैं तहे दिल से मैं किसी का भी मतलब इस तरह से किसी भी प्रांत की या किसी भी देश की या किसी भी जाति या धर्म की
किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और ऐसा मुझसे अनजाने में हुआ होगा अगर मेरे मुंह से खगड़िया के अलावा कोई और शब्द निकल गया होगा तो, और मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, तो इस अनजानी चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने कई सारे कमेंट किए थे कि आप मेरे मैं खगड़िया से हूँ, सही से नाम लीजिए, सही से नाम लीजिए, तो ये आपके लिए था, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। तो हाल फिलहाल अगर मेरे मुंह से कभी कुछ निकल जाता है तो थकान की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दिमाग कहीं और चला जाता है और जिसकी वजह से जो टंग है वो स्लिप कर जाता है। चले तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या होने वाला है, देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंदों को अब नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन की बात की जाए तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, अब प्रत्येक व्यक्ति को नवंबर 2020 तक जिन जो भी बीपीएल कार्ड से नीचे है यानी गरीबी रेखा से नीचे है, अब देखिए यहां पे भी टंग स्लिप हुआ, यहां मैं बोलना चाह रहा था गरीबी रेखा से नीचे और मेरे दिमाग में बीपीएल चल रहा था, तो बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये योजना है और उन्हें 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, दोनों नहीं मिलेगा, 5 किलो गेहूं मिलेगा या 5 किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन का ध्यान रखते हुए उन्हें 1 किलो दाल भी दी जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत परिवारों को हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। चना की जगह अगर आप दाल लेना चाहेंगे तो दाल मिल जाएगा। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर सरकार को 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ऐसा उन्होंने वहां पर बताया था। तो गरीब कल्याण अन्न योजना की जो शुरुआत है इसकी शुरुआत 28 मार्च को की गई थी 2020 में, जब लॉकडाउन शुरुआत की गई थी, कि जो गरीब किसान वगैरह हैं या जो गरीब लोग हैं जो अन्न पाना चाहते हैं और राशन कार्ड पर डिपेंड है उनको यहां पर सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज दिया जाने वाला था। इसके अलावा आगे लेके चलते हैं गरीबी अगली न्यूज की ओर, और अभी थोड़ा सा गरीबी के बारे में हम लोग और चर्चा भी करेंगे एक न्यूज में। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का जो सेटअप है वो नई दिल्ली में लगाया जा रहा है। कल अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रोजेक्ट प्लेटिना के बारे में आपको बताया था। प्रोजेक्ट प्लेटिना का मतलब आप समझते हैं, प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें स्क्रीनिंग की जाएगी और प्रोजेक्ट इसमें प्लाज्मा जो होगा लोगों का ले करके और जो भी संक्रमित व्यक्ति हो उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा के जरिए इसको खत्म करने, कोरोना को खत्म करने की योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है और उसका नाम प्रोजेक्ट प्लेटिना रखा है उन्होंने। दिल्ली सरकार भी आगे आई और उन्होंने हाल ही में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए देश का पहला समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस में स्थापित की जाएगी और इसे दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह इस थेरेपी में उन रोगियों को रक्त निकालना शामिल है जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और सक्रिय रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा और एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रोगी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, एंटीबॉडीज मतलब उनके खून में या रक्त में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है, और अगर ये एंटीबॉडीज किसी और व्यक्ति को दे दिए जाए तो उसके अंदर भी वो क्षमता विकसित हो जाएगी, और इस कंसेप्ट पर ही प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। तो दिल्ली जो है वो पहला राज्य बनने जा रहा है या पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जो प्लाज्मा बैंक बनाएगा। अगली जानकारी की तरफ चले तो हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक भाग के रूप में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यानी कि फूड जो भी होता है, जो भी आपका खाना है वो जल्दी खराब ना हो, उसको प्रोसेस कर लिया जाए, जैसे जैम वगैरह होता है तो उसको प्रोसेसिंग कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता, अचार आपका जल्दी खराब नहीं होता, तो इस तरह से प्रोसेसिंग करके खाने को ज्यादा समय तक रोकने के ऊपर बचाए रखने के लिए या उसको ज्यादा समय तक खाने योग्य बनाए रखना ही फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। और देखा गया कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कई सारे रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इस योजना का जो पूरा कार्यान्वयन है वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा, जैसे अलग अलग जगह पर कई सारी चीजें हो रही है तो उनको इकट्ठा किया जाए, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए, उसको संगठित किया जाए ताकि सबको लाभ हो सके। तो हाल फिलहाल इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जिसमें 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगारों के सृजित होने की संभावना है। असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 25 लाख इकाइयों में लगभग 74% खाद्य प्रसंस्करण श्रमिक कार्यरत हैं। मौजूदा सूची में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना, सूची में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। आपको यह याद रखना होगा
कि पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो है ये किस का अभियान है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसकी आवश्यकता क्या है? असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित चुनौतियों का सामना किया जा रहा है जिनका समाधान आवश्यक है। पहली बात तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ है और जो है भी वो सही ढंग से सब पर वितरित नहीं है। कुछ लोग अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं तो वही बार बार अच्छे तरीके से प्रोसेस करते चले जा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते, पुरानी विधियों का वो पालन कर रहे हैं तो उनको वहां तक पहुंच बनाई जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ऋण मिले, उत्पादों की खराब गुणवत्ता को सही किया जाए, जागरूकता की कमी, ब्रांडिंग और विपणन यानी मार्केटिंग अच्छे तरीके से की जाए ताकि जो लोकल लेवल पे जो बाजार है वो अच्छे तरीके से बन सके। योजना को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है ये ODOP पर बेस किया, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, एक ऐसी योजना है। जैसे मान लीजिए हमारे यहां कानपुर के ठग्गू के लड्डू फेमस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस पर ये काम नहीं करेगा, ठग्गू के लड्डू बड़े फेमस है, तो अब ठग्गू के जो लड्डू है उसको मार्केटिंग भी कानपुर से ही हो जाए, उसकी पैकिंग भी कानपुर से ही हो जाए, वो प्रोडक्ट भी कानपुर से ही हो जाए, मतलब वो एंड यूजर तक जहां पे भी पहुंचना है उससे पहले सारा काम आपका कानपुर में ही हो जाए। एक उत्पाद को बनाने से लेकर उसके रॉ मटेरियल से लेकर उसको इकट्ठा करने से लेकर उसको बनाने से लेकर उसके मार्केटिंग तक, उसके प्रोसेसिंग तक, सारा काम एक ही जिले में कर दिया जाए तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और यही इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो निवेश प्रबंधन, आम सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिए योजना के तहत एक जिला और एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। राज्य द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जाएगी। ODOP में जल्दी खराब होने वाले उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद हो सकता है जिसका जिले और उनके संबंध क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ऐसे उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मत्स्य मुर्गी पालन आदि शामिल है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा। अगली जानकारी है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन यानी श्री रंगराजन को सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपको याद हो, याद है कि नहीं याद है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया। महालनोबिस को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है और उनके जन्मदिन 29 जून को हुआ था, इसी वजह से हम हर साल इसी दिन सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित, किन्हें, सी रंगराजन को यह पुरस्कार क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्रीय आय से आकलन से संबंधित अपने आंकड़े प्रस्तुत किए वो बड़े बेहतर तरीके से प्रस्तुत किए और तेंदुलकर समिति द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उनको उन्होंने बताया कि उसमें क्या क्या गलतियां थी। तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर जी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कि आप अपने आंकड़े प्रस्तुत करिए, भारत में गरीबी की स्थिति क्या है, कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, इसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए। तो जब वो आंकड़े आए तो चौंकाने वाले थे, उन्होंने बताया कि गरीबी कम हो गई है, जबकि जब सी रंगराजन ने बाद में उस पर आकलन किया तो पता चला नहीं, गरीबी बढ़ी है। तो इनको इसी पुरस्कार, इसीलिए ये पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ऐसा याद रखिएगा कि PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो सी रंगराजन को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई है और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो बेहतर तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आपको ले चलता हूं हिस्ट्री की तरफ। ये रंगराजन समिति जी ने अभी हाल ही में सिफारिश की थी कि शहरों में प्रतिदिन 47 रुपए से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को आप गरीब की श्रेणी में रखिए, जबकि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में अगर 33 रुपए से कम खर्च करता है तो वो गरीब होता है। और बात करते हैं, रंगराजन समिति के अनुमानों के अनुसार 2009-10 में 38.2% आबादी गरीब थी, जो 2011-12 में थोड़ी सी कम होकर 29.5% पर आ गई, जबकि तेंदुलकर समिति का जो सबसे खतरनाक आंकड़ा था जिसने पूरे देश को चौंकाया था वो ये था कि 2009-10 में गरीबों की आबादी 29.8% थी, जो 2011-12 में अचानक से 2 वर्षों में घटकर 21.9% आ गई। बहुत बड़ी गिरावट थी और यही एक ऐसा आंकड़ा था जिसने इस समिति के ऊपर सवाल उठा दिया था।
रंगराजन समिति ने ग्रामीण इलाकों में प्रतिमा 972 रुपए यानी 32 रुपए प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले को गरीबी श्रेणी में रखा है, जबकि तेंदुलकर समिति ने यह 816 रुपए यानी कि 27 रुपए से कम खर्च करने वाले को रखा था। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबों की संख्या 36.3 करोड़ थी, जबकि 2009-10 में यह आंकड़ा 45.4 करोड़ था। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2009-10 में देश में गरीबों की संख्या 35.4 करोड़ थी, जो 2011-12 में घटकर 26.9 करोड़ रह गई। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े एक दूसरे को विवादास्पद थे और बाद में रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट है उसको सही माना गया है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। हेमिस सेचू नाम का एक जो उत्सव है लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो हेमिस नेशनल पार्क है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। तो हेमिस जो उत्सव है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है, गुरु पद्म संभव की याद में, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप की याद में। बौद्ध धर्म में एक शाखा है तांत्रिक शाखा, यानी कि जो तंत्र मंत्र पर भी विश्वास रखती है, और इस शाखा का जो पैगंबर थे या इस शाखा का जो आगे अग्रदूत थे वो पद्म संभव थे, और उससे पहले उनके गुरु रिपोंछे थे। नेपाल में रिपोंछे गुरु का काफी ज्यादा नाम है, गुरु रिपोंछे का काफी ज्यादा नाम है, और उनके आधार पर ही कई सारे सम्मेलन वगैरह किए जाते हैं, कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो हाल फिलहाल गुरु पद्म संभव जी के नाम पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे हेमिस उत्सव कहा जाता है। इस हेमिस उत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है, और इस बार ये उत्सव आपका तिब्बतियन पांचवें कैलेंडर के आधार पर आपका 30 जून और 1 जुलाई के दौरान मनाया गया 2 दिवसीय उत्सव होता है, तो इसको याद रखेंगे। और इसमें जो सबसे मुख्य आकर्षण रहता है वो मुखौटा लगाकर डांस करते हैं। डांस फॉर्म में पद्म संभव ने जो बौद्ध धर्म के शत्रु थे उनके खिलाफ लड़ाई करी थी, और पूरे क्रियाकलाप जो उनके रहे या उनके जो भी डांस मूव होते हैं वो उसी लड़ाई को दर्शाते हुए डांस मूव होते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे और फीचर होते हैं, जैसे कि छाम डांस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इस मास्क डांस यानी मुखौटा वाला जो नाच होता है, नृत्य होता है, मुखौटा लगा के बड़े बड़े मुखौटे लगा के डांस करते हैं, इस डांस को कहा जाता है छाम डांस। और इसके अलावा डेविल डांस, अपोजिट डांस, मतलब ये दोनों ही डांस यहां पर होते हैं। जो पद्म संभव वाला स्टेप करते हैं उन्हें छाम डांस कहा जाता है, और जो उनके शत्रुओं वाला स्टेप करते हैं, शैतान माना जाता है उन्हें, तो वो डेविल डांस कहलाते हैं, और इसमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह सजाए जाते हैं। इसके अलावा छेंग एक नाम का एक आपका लोकल ड्रिंक होता है जो आपको यहां पर पीने को मिलेगा। अगर कभी आपको हेमिस जाने को मिले तो ये ड्रिंक जरूर ट्राई करिएगा, मजा आएगा आपको, तो यू मस्ट ट्राई इट। आगे जानकारी तक चले तो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं 29 जून 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक ने तमिलनाडु की राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं, तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास विकास परियोजना। दोनों परियोजनाओं के लिए ऋण विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रदान किया गया है। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष रहेगी, और अगर आपको याद हो तो अभी एक दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए दिए हैं, $500 मिलियन दिए हैं। ये किस लिए दिए हैं, ये स्टार्स प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं, ताकि जो हमारी शिक्षा का स्तर है उसको भारत में डेवलप किया जा सके। न्यूज फटाफट में, भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। भारत में साल 1991 में इसी दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, और इस साल कोरोना महामारी के चलते नेशनल डॉक्टर डे की थीम की घोषणा नहीं हुई। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर डे, और 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे अथवा सीए डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा स्थापित की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए सीए डे मनाया जाता है। ICAI बनाया यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है ये भारत की शीर्ष संस्था है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि आपके जो लेखाकार होते हैं उनको विनियमन करती है, उनको लाइसेंसिंग देती है, उनको लाइसेंस देती है, और ये सबसे अच्छी क्रेडिट एजेंसी है जिसके ऊपर काफी सारे लोग भरोसा करते हैं। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां से लेकर भारत सरकार तक इसके ऊपर भरोसा करती है। ICAI के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गुप्ता, याद रखिएगा अतुल कुमार गुप्ता जो है वो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र कौन सा रहा, दिल्ली।
कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना परियोजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको वापस अटॉर्नी जनरल के पद पर एक साल के लिए बढ़ा दिया है उनका कार्यकाल? तो वह है के वेणुगोपाल। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट क्रायोस्टेट का अंतिम हिस्सा पूरा कर लिया है। यह प्रोजेक्ट भारत का योगदान कितना रहा? 9%। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है? तो 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है। किसको आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है सी रंगराजन। हेमिस चेचु किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित त्यौहार है जो 2 दिनों तक मनाया जाता है? तो ये लद्दाख का त्यौहार है। गुरु पद्म संभव के क्रियाकलाप के याद में मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो वह है तमिलनाडु। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? याद है बिल्कुल आपको, दिल्ली। वेरी गुड। अगला, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की बात की है? तो वो शुरू करेंगे मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बार फिर केको वेणुगोपाल जी को वापस अटॉर्नी जनरल बना दिया है एक साल के लिए। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के क्रायोस्टेट का अंतिम हिस्सा पूरा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? इस प्रोजेक्ट में भारत का योगदान 9% है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना के तहत कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है? तो 35,000 करोड़। किसको आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है चक्रवर्ती रंगराजन, यानी कि सी रंगराजन। हेमिस सेचु किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित त्यौहार है जो 2 दिनों तक मनाया जाता है? तो ये लद्दाख का प्रतिष्ठित त्यौहार है जो 2 दिनों तक मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वह है तमिलनाडु। तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा होगा, और जैसा आप सोच रहे होंगे वैसा आपने वैसे आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का प्रेजेंटेशन मिला होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपकी सारी उम्मीदें पूरी हुई हैं, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।